हलेम फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, गैमेट फॉर्म होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब यूनाइट हो जाता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो प्लांट में फ्लावर होता है, क्योंकि फ्लावर के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, अर्थात पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के द्वारा जाके ओवरी में मिलता है और वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट यूनाइट हो जाता है, तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। द प्रोसेस ऑफ यूनियन बिटवीन द गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी और फेकंडेशन। द डिप्लॉयड सेल और जायग्रोथ हुई इज फॉर्म बाय फर्टिलाइजेशन। जायगोट ऑल टाइम होच्छे डिप्लॉय टू एन, क्योंकि मेल गैमेट एन और फीमेल गैमेट एन, दो एन मिलके क्या होता है, टू एन जायगोट फॉर्म होता है। हुई इज फॉर्म बाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ग्रोज इन टू एन एम्ब्रायो विद इन द सीड, फिर जायगोट से एम्ब्रायो फॉर्म होता है। व्हेन द सीड जर्मिनेट्स, जब सीड का जर्मिनेशन होता है, दिस एम्ब्रायो गिव्स राइज टू द एडल्ट प्लांट। सीड के जर्मिनेशन के बाद क्या होता है, उसमें से प्लांट निकलता है, जो बेबी प्लांट निकलता है सीड में से, इस प्रोसेस को क्या बोलता है, जर्मिनेशन। उसके बाद वो प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता है। द प्रोसेस ऑफ यूनियन बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा एंड इट जर्मिनेट्स। पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आने के बाद क्या होता है, इसका जर्मिनेशन हो जाता है और यहाँ से जर्मिनेशन के बाद ये लॉन्ग प्रोसेस दिखाई देता है। आफ्टर जर्मिनेशन ए पोलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम पोलन ग्रेन एंड डिवाइड्स टू फॉर्म मेल गैमेट्स। फिर धीरे धीरे देखो लंबा सा फॉर्म पोलन ट्यूब फॉर्म होता है और धीरे धीरे आके ओवरी से मिलता है और मेल गैमेट फॉर्म होता है। द मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स इन द एम्ब्रायो सैक फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट। एम्ब्रायो सैक के अंदर हाँ क्या होता है, फीमेल गैमेट के साथ यूनाइट होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे है एम्ब्रायो सैक के अंदर। द मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स इन द एम्ब्रायो सैक फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन ओव्यूल, जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड जायगोट फॉर्म होता है। डिप्लॉयड माने टू एन, एन प्लस एन टू एन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट अंडरगोज ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन टू फॉर्म ए मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो। ताले जायगोट में कौन सा डिविजन होता है, माइटोटिक डिविजन, जहाँ पे क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है और बॉडी का ग्रो होता है। ताले सेल का नंबर जब इंक्रीज हो जाता है तो जायगोट धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और एम्ब्रायो बन जाता है विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल ग्रेजुअली कन्वर्ट्स इन टू सीड, ओव्यूल धीरे धीरे सीड में बदल जाता है एंड द ओवरी बिकम ग्रोज एंड राइपेंस टू फॉर्म ए फ्रूट। ताले ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल सीड में बदल जाता है, उसके बाहर ओवरी फ्रूट में बदल जाता है। द फ्रूट बियर्स ए सीड व्हिच कंटेन्स फ्यूचर प्लान और एम्ब्रायो व्हिच डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन।